तुम्हारी आंखों में जो मुझे खुशी नजर आ रही है उससे तो मुझे खौफ महसूस हो रहा है। किस बात का खौफ? खौफ इस बात का कि अगर तुम सना के साथ शादी अनाउंस करने वाले हो तो उस गहरी सोच में तो तुम मुझे नजर नहीं आ रहे। इतनी गहरी सोच तो तुम्हारी सिर्फ काम के बारे में होती है। कहीं तुम मुझे छोड़कर अपना बिजनेस तो नहीं शुरू करने वाले? अगर अपना कोई बिजनेस करना होता मुझे, तुम्हारी कंपनी ज्वाइन क्यों करनी? इसका मतलब है कि तुम्हें किसी और बड़ी पार्टी से जॉब ऑफर हुई है। या प्लीज ऐसा वैसा कुछ ना करना, मेरी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, मेरा तो दिवालिया निकल जाएगा। फरहान फरहान, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी मेरी खुशी का ताल्लुक काम से नहीं है। क्या कि उसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हैरानी की तो बात है, तुम काम के अलावा भी कुछ सोच सकते हो। मैं इंसान नहीं हूं क्या? चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो ख्याल है। जरूर कोई खास बात है, मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अच्छा चलो आओ ऑफिस चलते। हाँ तुम चलो, मैं आता। किसी का इंतजार है? सना आने वाली है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, आई विल सी यू सर। हाँ ठीक है, सही है। नहीं नहीं, वी हैव टाइम। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। मैं कॉल करता हूँ। जिन लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती है ना, उनकी जिंदगियां भी चल सकती हैं। शायद आपको पता ना हो इसलिए बता रही हूँ। अगर हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मामू ने यूं ही अपनी सादगी में आपके सामने जिक्र कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑफिस की गाड़ी मेरे लिए भिजवा दे। अगर मुझे कन्वेंस की कोई भी प्रॉब्लम होगी ना सर, तो मैं खुद ही सॉल्व कर लूंगी। मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अब गाड़ी भिजवाई क्यों थी? क्या मैंने आपसे कहा था? या फिर शहर की सारी रिक्शा टैक्सियां खत्म हो गई हैं? या फिर आपके पास करने को कोई काम नहीं रहा इसलिए सुबह सुबह ड्राइवर को ड्यूटी देने का काम संभाल लिया है आप? कितना बोलती हो। अच्छा प्लीज बोलना मत, मेरी बात सुनो। देखो शहर के हालात ठीक नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, सुबह सुबह इतनी दूर से कैसे आती तुम? आपका एहसान लिए बगैर भी मेरा काम चल सकता है, पहले भी तो काम चल रहा था ना। अच्छा ठीक है, माना मैंने गाड़ी भेजी थी, लेकिन इसमें माइंड करने वाली क्या बात है? मुझे फिकर। आपको मेरी फिकर करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर फिकर करना आपकी आदत है ना, तो प्लीज सबकी फिकर क्या करें, खाली मेरी फिकर क्यों? मेरी फिकर करने के लिए कोई ना कोई तो होगा ना। तो मेरी फिकर करने वाले भी बहुत हैं, मेरे घर वाले हैं मेरे लिए। सर प्लीज आप मेरे लिए कोई जहमत मत क्या कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता आपको? बिना वजह के एहसान लेना, और अगर एहसान करना आपका शौक है तो जिस पे एहसान कर रहे हो उससे पहले पूछ तो लें कि उसे जरूरत भी है या नहीं। सर